दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पहल पर भव्य आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नशा मुक्ति के पक्ष में सकारात्मक वातावरण विकसित करने तथा राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान NMBA का संचालन जिले में किया जा रहा है। दुर्ग के बघेरा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिले भर के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के हजारों बच्चे यहाँ शामिल रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय प्रसाद कृषि करती है और दीपक की लोक ज्ञान का प्रकाश हमें उद्दीप्यमान करता है। कहा था एक शो में हम बातचीत करेंगे, नशा करता है खराब। अभी देखिए तैयारी हमने इतनी अच्छी की थी, गर्ल्स स्कूल का पावर ज्यादा है, बॉयज स्कूल भी मिल रही है। इस मौके पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले युवाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों, महिलाओं और जन समुदाय की भागीदारी के साथ मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम करने, समय समय पर मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित जागरूकता प्रचार प्रसार कार्यक्रम, सेमिनार, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, नशाबंदी प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार अभियान, नशाबंदी शपथ आदि का संचालन किया जा रहा है। जिस घर में जा रहे हैं उसके नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आज हम ब्रह्म कुमारी दीदियों के आश्रम की ऑडिटोरियम में है। उनका पहला नियम यही है कि शांति से रहे। अगर आपको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो चुपके से उठ करके चले जाए, 5-6 के ग्रुप में ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। आपसे लगातार बात कर रहे होंगे, एक और प्रस्तुतिकरण बने हैं, सचिन जी की बात भी सुनेंगे हम लोग। मैं बस दो चीजें इसमें कहना चाहूंगी, हमारी हम सब की आज सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका दिमाग अभी करोगे, हमारा शरीर और हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव एवं दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, दुर्ग रेंज IG रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला एवं जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। न्याय अधिकारिता विभाग ने एक भारत नशा मुक्ति अभियान चलाया है और पूरे सारे प्रदेश के सारे जिलों में आयोजन हुए हैं। आज दुर्ग में हम सब के सौभाग्य है कि ये ब्रह्म कुमारी परिसर में हुआ, जो शांति का एक पावर स्टेशन माना जाता है दुर्ग के लिए, वहाँ पे एक शांति के साथ नशा मुक्ति का अभियान हम सब यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं सारे बच्चों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को, पालक को, पिता को आप नशा करने से मना करेंगे। घर की बेटियाँ अगर माँ बाप से कोई आग्रह करें तो उसकी बात ज़रूर मानते हैं। आज यही मैं अनुरोध किया हूँ सब बेटियों से कि आप अपने पालक से जो नशा करते हैं उसे अनुरोध करें कि सब प्रकार के नशा पान से दूर रहे हैं। और अपेक्षा करता हूँ कि नशा मुक्ति अभियान में भी हमारा जिला आगे रहेगा। आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज इस बहुत ही पावन स्थल पर ब्रह्म कुमारी के आश्रम में बघेरा में स्कूली बच्चों, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और बहुत सारे जो आमजन हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और लोगों को और विशेष रूप से स्कूली बच्चों को ये संदेश दिया गया है कि वे ना तो खुद नशा करें और न ही किसी और को नशा करने में जो उसको जहाँ जहाँ तक हो सके उनको नशा करने से हम रोकने का प्रयास करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग और पुलिस के सभी द्वारा यहाँ पे ब्रह्म कुमारी के सभागार में एक कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नशा एक सामाजिक बुराई और नशे के कारण ही तरह तरह के अपराध भी होते हैं। पुलिस खासकर उन अपराधों से डे टू डे डेली झेलती रहती है। तो जो भी प्रयास चल रहा है नशा मुक्त भारत का,
वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक नशा रहेगा तब तक हर तरह का जो बुराइयां हैं, जो अपराध है, वो बढ़ता रहेगा। तो उसको लेके एक पूरे भारत में ही नशा मुक्त भारत बनाने का एक सार्थक प्रयास चलाया जा रहा है, उसी के तहत यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और कोशिश है कि युवाओं को जोड़ के उस कार्यक्रम से, जिसमें क्योंकि अगले 15-20 साल जो भारत के हैं वो उनके हैं, तो उनको कनेक्ट किया जाए और उन्हें नशे से दूर रखा जाए। उसी की जागरूकता के तहत आज यहाँ पे यूथ को बुलाया गया है और उनको शपथ दिला के ये इंश्योर कराया जा रहा है कि वो कम से कम नशे की तरफ ना जाए और अपने आसपास नशे को विरुद्ध जो संकल्प अभियान था उसको भी मतलब लेके जाएं और नशे से दूर रहें। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।